वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड के रसगुल्ले। आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया है मैंने। यहां पर मैंने 6 ब्रेड ली हैं, ये वाइट वाली ब्रेड है मैदे वाली। और यहाँ पर एक कटोरी मैंने लिया है चीनी, और एक कप मैंने लिया है मिल्क यानी दूध। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो ब्रेड हैं उनकी जो किनारी होती है ना, ये ब्राउन, इसको मैं चाकू की सहायता से कट कर लूँगी। तो इस तरह से बड़े आराम से हो जाएगी कट किनारी। और ये किनारे निकाल रहे हैं हम ब्रेड की, उसको आप किसी और रेसिपी में भी आप ले सकते हैं। ब्रेड क्रम बनाकर आप मिक्सी जार में डालकर इनको पीस लें। तो ये ब्रेड मैंने देखी एक अच्छे से निकाल ली है किनारी। इसी तरह से मैं दूसरी ब्रेड की भी जो ब्राउन किनारी होते हैं ब्रेड की, वो निकाल लूँगी। और सभी ब्रेड की हमें इसी तरह से निकाल लेना है। और जो वाइट पोर्शन है बस वही यूज करना है हमें रसगुल्ले बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से दो निकाल लिए मैंने। इसी तरह से मैं सभी ब्रेड की किनारी जो है और मैं आराम से निकाल लूँगी। तो इस तरह से ये 6 ब्रेड जो हैं उनकी मैंने ये किनारी सबकी निकाल ली है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, और यहाँ पर मैं हाथ की सहायता से ही सभी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी जार में डालकर भी इसका जो है छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। महीन पाउडर सा बन जाएगा ब्रेड क्रम का, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ बड़े आराम से। ये दूध डालने के बाद जो है एक दो बनाना है हमें। तो यहाँ पर सभी ब्रेड को मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक कप दूध लिया है, और दूध जो है उसको हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो गीला भी हो सकता है। एक दो बना के तैयार करना है हमें बिल्कुल आटे की तरह, और अच्छे से हाथ की सहायता से ही मसलना है। और मसलते जाएँ, देखते जाएँ कि कितना दूध की ज़रूरत है एक दो आटे की तरह लगाने के लिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध जो है डाल दूंगी, और करीब आधे कप में ही ये जो है 6 ब्रेड आराम से गल जाती हैं, जो डो है बन जाएगा। इस तरह से दबा के, नहीं तो प्लेट में डाल के भी आप अच्छे से हथेली की सहायता से मसलने से चिकना करना है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये पिसी हुई चीनी 2 चम्मच डालनी है हमको। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है चीनी पिसी हुई डाल ली है इसमें, और बस इनको और अच्छे से चिकना कर लूँगी मैं हाथ की सहायता से मसल मसल कर, जिससे कि रसगुल्ले बनाए तो कोई क्रैक वगैरह ना पड़े हमारी गोलियों में। और अगर आपको गीला लगता है फ्रेंड्स, तो उसमें एक ब्रेड और मिला लीजिए महीन करके, तो वो सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी जो है बेकिंग पाउडर डाल दें तो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर मैं रेस्ट के लिए रख रही, मैंने नहीं डाला था बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी ये चीनी चाशनी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स, और ये 1 कटोरी चीनी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप चाहें तो भगोने में भी आराम से बना लें चाशनी जो है। और यहाँ पर जितनी चीनी लिए 1 कटोरी, उसका 1.5 गुना जो है 1.5 गुना पानी चाहिए होता है हमें चाशनी बनाने के लिए रसगुल्ले की। तो यहाँ 1 कटोरी पानी मैंने डाल दिया है, और आधी कटोरी पानी जो है मैं और डालूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आधी कटोरी पानी भी मैंने डाल दिया है, और गैस का फ्लेम जो है मैं ऑन कर दूँगी, और इसको चलाते रहना है, नहीं तो जो चीनी है वो लग जाएगी। चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इसको चलाते रहना है, और गैस का फ्लेम जो है फ्रेंड्स जो है सिम ही रखें, क्योंकि धीरे धीरे जो चीनी है वो गल जाएगी। 2 से 3 मिनट लगता है बस चाशनी बनाने में,
एक कटोरी चीनी की। आप कोई भी कटोरी घर में हो, कोई भी माप या कप हो, उससे नाप के चीनी डालें तो उसका डेढ़ गुना पानी डाल लें। और चाशनी, कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए हमें फ्रेंड्स, रसगुल्ले की बस थोड़ा सा चिपचिपी हो जाए, देख लें हाथ से कि थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है चाशनी जैसी होती है रसगुल्ले की, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ब्रेड के रसगुल्ले जो हैं। और इनका जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे छेने के रसगुल्ले ही खा रहे हों। तो इस लॉकडाउन में जो है, अगर कुछ मीठा खाने का मन हो रहा हो तो जल्दी से ब्रेड है और उसके आप बनाइए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये चाशनी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है बिल्कुल। और थोड़ा सा देख रही हूँ मैं, ये चिपचिपी जो है होने लगी है, और कोई तार वगैरह नहीं बनाना, और चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, तो चाशनी को मैं रख दूंगी एक तरफ, बनकर तैयार हो गई है। और अब यहाँ मैं देख रही हूँ जो हमने ब्रेड का डो बना के रखा था, 5 से 6 मिनट हो गया है, डो जो है काफ़ी जो है सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल मुलायम हो गया है। और एक बार फिर से इसको हाथ की सहायता से मैं मसल लूँगी। थोड़ा सा आप देसी घी डाल लें, आधी चम्मच ही डाला था, वो हाथ में लगा लें जिससे कि हाथ में जो है वो डो है जो चिपके नहीं ब्रेड का, वरना ये डो जो है वो चिपकेगा हाथ में। तो इस तरह से मसल लेके अच्छे से डो को मैं, अब इसकी छोटी छोटी गोलियों को तोड़ लूँगी मैं इस तरह से हाथ में अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स कितना चिकना हो गया है केवल 5 से 6 मिनट रखने के बाद। और इसमें प्लेट में मैं निकाल लूँगी और छोटी छोटी जो गोलियाँ हैं इसकी बना लूँगी मैं। तो इस तरह से हथेली में जो है हमने घी लगा लिया था, आप घी या कुछ रिफाइंड जो तेल है वो हाथ में लगा लें, उसके बाद ही जो है घी लगाने के बाद ही गोलियाँ बनाएं जैसे कि हाथ में ये चिपकी नहीं हो, जो गोलियाँ बनेंगी हमारी बिल्कुल चिकनी। और आप कोशिश करें कि जो गोलियां हैं वो एक बराबर साइज़ की ही रहें, छोटी बड़ी ज़्यादा ना रहें, तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बिल्कुल गोल गोल गोलियां जो हैं बड़े आराम से बन रही हैं, और देखिए बिल्कुल भी क्रैक वगैरह नहीं पड़े हैं, और बहुत ही चिकनी गोली बनी हुई है, देखिए एक भी क्रैक नहीं पड़ा है। और इस तरह से मैं सभी गोलियों को बना लूँगी। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके आगे जो बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 4 गोलियाँ बनाई हैं, इसी तरह से मैं सारे जो ब्रेड का जो डो है मैं उसकी सभी गोलियों को बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी गोलियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और सभी कितनी चिकनी बनी है, कोई क्रैक वगैरह नहीं है। तो गैस को मैंने फ्लेम जो है बंद कर दिया था चाशनी का, उसको मैंने ऑन कर दिया है, और सिम और मीडियम फ्लेम पर ही हमने ये जो गोलियाँ बना के रखी हैं उनको मैं चाशनी में डाल दूँगी। और मैंने चाशनी में फ्रेंड्स ये सभी गोलियों को डाल दिया है, और इनको मैं 3 से 4 मिनट बस गोलियों को रहने दूँगी गैस का फ्लेम कम करके, और चम्मच की सहायता से इनको चलाते रहें, उलट पुलट करते रहें जिससे कि जो चाशनी है रसगुल्ले में आगे पीछे सभी जगह से अच्छे से भरती रहे, और जो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगे। और इनका साइज़ भी फ्रेंड्स 1-2 मिनट के बाद देखना आपको काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये जो रसगुल्ले हैं जो फूल जाते हैं, तो इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगेंगे। और आप आज ही इसको ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और बस 1-2 मिनट और मैं इनको घुमाती रहूँगी और आगे पीछे सभी जगह अच्छे से इनमें जो चाशनी है भर जाए। आप चाहें तो भगोने में अच्छे से डूब जाएंगे, मैंने कढ़ाई में बनाई है, तो आप भगोने में चाशनी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं फूल कर ये। और फ्रेंड्स मैंने इनमें जो डो में बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, आप चाहें तो 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दें तो और भी काफ़ी अच्छे से फूलेंगे ये रसगुल्ले जो है हमारे, ट्राई करके देखना आप लोग। तो यहाँ रसगुल्ले जो हैं बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए और खाने के लिए।
तो गैस का फ्लेम जो है अब मैं बंद कर दूंगी। तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं 10 मिनट के अंदर ही। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और यहाँ रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार है। और इनको मैं बस बाउल में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। और कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो बस ब्रेड तो सभी क्या मिल जाएगी, और बहुत ही जल्दी बनते हैं। और इनको मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने चिकने और कितने स्पंजी बने हैं कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं सारे रसगुल्ले, और आप देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ कितने स्पंजी रसगुल्ले बने हैं, बिल्कुल छेने की तरह। और छेने की जैसा स्वाद भी है, जो टेस्ट है डिलीशियस, बहुत ही छेने के रसगुल्ले के जैसा ही आता है। तो आप लोगों ने ये हमारी जो रेसिपी देखी है, ये देखिए मैं दबा के भी दिखा रही हूँ, काफ़ी स्पंजी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी जो है ब्रेड के रसगुल्ले की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।